हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस से एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह किताब जो है सो एस के झा सर पब्लिकेशन का है। तो पिछले क्लास यानी कि क्लास नंबर 5 में हम लोग 555 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 556 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के केंद्रक के डीएनए में किसका सूचना निहित करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को निहित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कोशिकीय जितना भी जीव जंतु है उसमें नए जीव की उत्पत्ति जो होती है सो किसके द्वारा होती है, तो विभाजन द्वारा या विखंडन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार के रोगाणु जिलेस्मानिया है और प्लेनेरिया में किस प्रकार से विखंडन होती है, तो इसमें जो होती है कालाजार के रोगाणु जो इसको बोलते हैं लेसामानिया और प्लेनेरिया में जो होती है सो द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो पूछेगा जैसे कि अभी जितना भी एक कोशिकीय जीव है उसमें जनन जो होती है सो विभाजन जो कोशिका विभाजन जो कोशिका जो होती है सो विभाजन द्वारा और विखंडन द्वारा क्या होती है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और जो लेस्मानिया और रोगाणु जो होती है कालाजार के और प्लेनेरिया में जो विखंडन जो होती है किस प्रकार की खंडन होती है यानी कि द्विखंडन होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम होती है यानी कि प्लाज्मोडियम से कौन सी रोग होती है, तो मलेरिया होती है। तो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम में जनन जो होती है सो किसके द्वारा होती है, तो बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। और प्लेनेरिया में पूछे तो प्लेनेरिया में द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊतक का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ऊतक के निर्माण जो होती है सो विशेष कार्य हेतु यानी कि बहुत सारे कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। तो विभिन्न प्रकार की जितना भी कोशिकाएं होती है यानी कि अनेक अनेक कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया तथा ईस्ट में जो होती है जनन जो होती है सो किस प्रकार की जनन होती है, तो हाइड्रा में और प्लेनेरिया में और ईस्ट में प्रजनन जो होती है सो पुनरुद्भवन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पुनरुद्भवन के द्वारा होती है यानी कि इसमें फिर से निर्माण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और हाइड्रा में पूछेगा कि ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन जो होता है तो ईस्ट और हाइड्रा में पुनरुद्भवन के द्वारा होती है, पुनरुद्भवन द्वारा भी होती है और मुकुलन भी द्वारा प्रजनन होती है। तो क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जाता है, ऑप्शन में कोई सा भी रहेगा, एक मुकुलन भी रहेगा और पुनरुद्भवन में दोनों ऑप्शन में से एक में एक जो है ऑप्शन में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नया पौधा का रूप लेता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बायोफाइलम की जो पौधे होती है तो नया पौधा का रूप जो होती है इसे कब लेती है, तो बायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन से जब कणिकाएं विकसित होता है उसका पत्तियों के मार्जिन से जब कणिकाएं विकसित होता है तब नए पौधा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक से नया पौधा का निर्माण क्या कहलाता है, तो ऊतक से जब नया पौधा का निर्माण होता है तो उसे हम लोग टिशू कल्चर कहते हैं यानी कि ऊतक से जब नया पौधा का निर्माण होता है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, टिशू कल्चर कहते हैं। राइजोपोस एक प्रकार की क्या है, बीजाणु है। राइजोपोस जो से एक प्रकार की बीजाणु है तो राइजोपोस बीजाणु जो होती है समा संघ द्वारा जनन करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि राजकोष में जनन जो होती है सो किसके द्वारा होती है, तो समास अंग द्वारा जनन करता है। दो भिन्न जीवों की उगमक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मनज के द्वारा युग्मज बनाता है। दो भिन्न जीवों की जो उगमज जो बनती है, दो भिन्न जीवों की यानी कि दो भिन्न जीवों का जो उगमक बनता है, युग्मक कोशिका जो बनती है उसे क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन में युग्मज युग्मनक द्वारा क्या बनती है, तो युग्मनज का निर्माण होती है। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित हो जाता है। जब फीमेल और मेल जब आपस में क्या करती है, संबंध बनाती है, तब उस समय जब फर्टिलाइजेशन जो होती है यानी कि निषेचन होती है, उसके बाद क्या होती है, तो जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो युग्मनज के द्वारा क्या हो जाती है, युग्मनज का बनाता है, क्या निर्माण हो जाती है, युग्मनज का निर्माण हो जाती है। तो युग्मनज ही वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा क्या करती है, नए जीवों में विकसित होती है, तो नए जीवों में विकसित कर देती है। तो गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो गतिशील जनन कोशिका जो होती है उसे हम लोग नर युग्मक कहते हैं। स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछाता है कि गतिशील जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो गतिशील जनन कोशिका को हम लोग नर युग्मक के नाम से जानते हैं, लेकिन वही स्थिर जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे हम लोग मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। सामान्यत पराकन जो होती है सो किस रंग के होती है, तो ये जो होती है सो पादप में होती है, किस में होती है, पादप आने की फूल में सब में होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि सामान्यत जो परागण की जो कण होती है, परागण की कण जो होती है सो किस रंग की होती है, तो पीले रंग की होती है। अगला क्वेश्चन है, आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय तथा मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग का वर्तिका कहते हैं। तो यह जो से यानी कि फूल का क्या है, पार्ट है, यानी कि फ्लावर का जो से पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चित्र यानी कि फिगर की सहायता से समझेंगे, फिगर की सहायता से हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। वैसे तो यहाँ पे लिखा गया है कि आधार पर उभरा और फूला भाग जो होती है सो कौन होती है, अंडाशय होती है, और मध्य में जो होती है उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, और ऊपरी भाग में जो होती है उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। ऊपरी भाग वाला को क्या कहते हैं, तो वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम यानी कि फिगर के अकॉर्डिंग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ही पुष्प का पुकेंसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन जो होती है सो क्या कहलाता है, तो एक ही पुष्प का पुकेंसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन जब होती है तो उसे हम लोग स्व परागण कहते हैं, क्या कहते हैं, स्व परागण कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, जब एक ही पुष्प का कुकेंसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्व परागण कहते हैं। बीजांड बीज में परावर्तित होता है तथा अंडाशय फल में विकसित होता है। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बीजांड जो से परावर्तित कहाँ पे होती है, तो बीजांड बीज में परावर्तित हो जाती है, लेकिन अब विकसित कहाँ पे होती है, तो अंडाशय फल में विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विकसित होकर क्या चीज़ किसमें रूपांतरित हो जाता है, तो भ्रूण जो होती है सो विकसित होकर नवभिद में रूपांतरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, तो नर जनन कोशिका अथवा जो शुक्राणु का निर्माण जो होती है वो किसमें होती है, तो शुक्राणु का निर्माण जो होती है सो वृषण में होती है, किसमें होती है, वृषण में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव जो करती है शुक्रवाहिका में डालते हैं, जो शुक्राणु को तरल स्नेह तथा पोषण पदार्थ करता है।
तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि प्रोस्टेट तथा शुक्राशय जो होती है अपना स्वार्थ किस में डालता है, अपना स्वार्थ जो होती है सो शुक्रवाहिका में डालते हैं, जो शुक्राणु को तरल यानी तरल क्या होती है लिक्विड के जैसा तथा पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की लंबित, इसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि प्रोस्टेट का कार्य क्या होती है तथा शुक्राशय के कार्य क्या होती है। तो प्रोस्टेट तथा शुक्राशय जो है सो अपना जो 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 निकलता है जो स्राव जो निकलता है सो किसमें ऐड करते हैं, किसमें डालते हैं तो शुक्रवाहिका में डालते हैं। उसी के मदद से क्या करते हैं ये पोषण प्रदान करते हैं, शुक्राणु को क्या करते हैं पोषण प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शुक्राणु की जो लंबी पूंछ होती है इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है या क्या करती है अंडाणु की गति प्रदान करने की ओर सपोर्ट करती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, इसको भी हम लोग किसमें समझेंगे जो फीमेल पार्ट होता है और मेल पार्ट है ये दोनों को हम लोग फिगर के सहायता से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन है लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों या परिपक्व अंड होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़की के जन्म के समय उसमें कितने अपरिपक्व अंडा होती है, तो हजारों अपरिपक्व अंडा होती है। गर्भाशय जो होती है गर्भाशय का यानी गिरवा जो होती है गर्भाशय गिरवा द्वारा ओनी में खुलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि गर्भाशय जो है सो कहाँ पे खुलता है, तो ओनी में खुलता है और किसकी सहायता से खुलता है तो गिरवा के सहायता से खुलता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो करती है सो किसके माध्यम से होती है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भ्रूण का पोषण जो होती है बच्चा का जो पोषण जो होती है पेट में वो किसके द्वारा होती है, तो प्लेसेंटा के द्वारा होती है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध पेशियों का ये गति है लयबद्ध जब संकुचन होती है तब शिशु का जन्म होती है। अगला क्वेश्चन है गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मशा एडस वायरस से होने वाला ओंग संक्रमण रोग है। तो बोलता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओंग संक्रमण रोग जो से कौन कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है। तो गोनोरिया है और सिफिलिस जो है से किससे होती है जीवाणुओं से होती है और ये भी एक प्रकार की ओन संक्रमण रोग है, तथा मशा जो होती है और एड्स जो होती है सो वायरस से होने वाला ओन संक्रमण रोग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो दिया था सो किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मेंडल प्रारंभिक शिक्षा जो होती है मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंडल ने अपना स्टार्टिंग एजुकेशन जो थी प्रारंभिक शिक्षा जो थी गिरजाघर से प्राप्त किया था, उसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार जो होती है गोल झुर्रीदार बीज लंबे बोने पौधे सफ़ेद बैंगनी फूल का चयन किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1 पीढ़ी में किस प्रकार की पौधे को चयन किया है, तो F1 पीढ़ी में जैसे गोल होती है झुर्रीदार वाली बीज होती है तो लंबे पौधे हो गए बोने पौधे हो गए और सफ़ेद बैंगनी फूल का इसी में चयन किया है। तो लंबे पौधे को बोने पौधे को सफ़ेद बैंगनी वाला फूल पौधे को F1 पीढ़ी में चयन किया है। F1 का सभी पौधा किस प्रकार से निकलता है, तो F1 पीढ़ी का सभी पौधा जो है सो लंबा निकलता है, किस प्रकार से निकलता है लंबा निकलता है। अगला क्वेश्चन है F1 में फिनोटाइप जो होती है सो उसका रेशियो क्या है, तो F1 पीढ़ी में फिनोटाइप का रेशियो जो है सो 3:1 है, लेकिन जीनोटाइप में
F1 दो प्रकार की होती है, फिनोटाइप होती है और जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का रेशियो जो है सो 1:2:1 है। अगला क्वेश्चन है, DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग जीन कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 589 नंबर का क्वेश्चन था, तो 590 की क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो चलिए 590 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, 590 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। तो ऐसा कौन सी प्राणी है जो कि अपना लिंग बदल सकते हैं? तो घोंघा हो गया। घोंघा जो है ना, सो क्या करते हैं, वो अपना लिंग बदल सकता है। तो अपना लिंग बदल सकता है, क्यों बदल सकता है? कुछ कारण तो होगा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। लिंग निर्धारण आनुवांशिक जो होता है सो नहीं होता है। तो कुछ प्राणी अपना लिंग जो से बदल सकते हैं, जैसे घोंघा हो गया, ये अपना लिंग बदल सकते हैं क्योंकि इसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिकी जो होती है सो नहीं होती है। प्राकृतिक चयन यानी विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन क्या किया था? डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। जो प्राकृतिक चयन किया था ना विकासवाद के सिद्धांत के अलावा अलावा डार्विन जो थे, सो पूछेगा क्वेश्चन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत कौन दिया था, तो डार्विन ने दिया था। तो इसके अलावे भी प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका का खोज भी किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका का खोज जो किया था सो किसने किया था, तो डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास किसने दिया था। तो सरल से जटिल जीवन के स्वरूप विकास जो दिया था सो किसने दिया था, तो डार्विन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवन की उत्पत्ति जो है सो अकार्बनिक अणुओं से बना हुआ है, किसने कहा था। तो जीवन का उत्पत्ति जो है सो अकार्बनिक अणुओं से बना था, ये हाल्डेन ने कहा है। किसने कहा है? हाल्डेन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में क्या होती है, तो वास्तव में वो नेत्र बिंदु होती है। क्या होती है? वास्तव में नेत्र बिंदु होती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुआ है। तो पक्षी की जो उत्पत्ति जो हुआ है वो सरीसृप से हुआ है। किससे हुआ है? सरीसृप से हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव जाति का उद्भव जो हुआ है सो कहाँ पे हुआ है। तो मानव जाति का उद्भव जो हुआ था सो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे? अफ्रीका में हुआ था। F2 में जेनोटाइप अनुपात जो होती है सो अभी तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि PD जो बांटा गया था फिनोटाइप और जेनोटाइप। तो F2 में जेनोटाइप का जो अनुपात होती है दूसरा पीढ़ी में सो जेनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 होता है। इसमें से क्या बताया जा रहा है कि 315 जो होती है, 315 जो होती है सो गोल होती है और पीले बीज जो होती है सो 9 होती है। फिर 108 जो है सो गोल होती है और हरे बीज जो होती है सो हरे बीज की संख्या 3 होती है। फिर इसी प्रकार से झुर्रीदार बीज जो होती है उसका जो संख्या होती है 101 होती है और पीले बीज की संख्या 3 होती है। झुर्रीदार हरे जो होती है, क्वेश्चन पूछता है कि झुर्रेदार पीले वाले बीज जो होती है उसकी संख्या कितना होती है, 101 होती है। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि 32 जो होती है सो झुर्रीदार होती है हरे बीज वाली संख्या, जिसको हम लोग किस में रखते हैं, इसका रेशियो जो होती है किस में होती है, 1 में होती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि F2 में जेनोटाइप का अनुपात जो होती है सो 9:3:3:1 होती है।
तो इस प्रकार से ये साइड जो दिया गया है, इस प्रकार से क्या है, ये रेशियो वाला है, क्या है, रेशियो वाला है, 9:3:3:1 हो गया, ये क्या है, रेशियो है। तो इसमें से पूछेगा कि गोल बीज जो होती है, गोल बीज जो से कितने होते, यानी कि 315 गोल होती है, जिसमें रेशियो इसका कितना लिया गया, 9 लिया गया है पीले बीज वाला, 108 गोल हरे बीज होती है, इसका रेशियो कितना लिया गया, 9 लिया गया है, 101 जो होती है झुर्रीदार पीले बीज होती है, इसका रेशियो जो से 9 लिया गया है, और 32 जो होती है झुर्रेदार हरे बीज होती है, इसका रेशियो जो होती है से 1 लिया गया है। तो इस प्रकार से फिनोटाइप का अनुपात जो है सो इस प्रकार से बना है। तो 315 गोल जो से पीले बीज वाला है, इसमें से 9 इसका रेशियो है। अगला क्वेश्चन है, यह पारदर्शी जो होती है, वस्तु का तीक्षण जो होती है सो क्या करती है, ये छाया बनता है, यह पारदर्शी वस्तु का तीक्षण छाया बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपारदर्शी वस्तु का जो छाया बनता है, सुखी यानी कि तुरंत ही छाया बन जाती है, अपारदर्शी वस्तु का तीक्षण छाया बनता है, किस प्रकार बनता है, तो तीक्षण छाया बनता है, प्रकाश जो है सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश किस रेखा किस पथ पर अनुसरण करता है, तो सरल रेखीय पथ पर अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार होती है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होती है सो सदैव आभासी होती है, सीधा होती है तथा समान आकार की बनती है, एवं पार्श्वर उल्टा होती है, क्या होती है, पार्श्वर उल्टा होती है, यानी कि ये जो होती है वे साइड में होती है, यानी कि पार्श्वर उल्टा होती है, राइट से लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट से राइट हो जाती है, लेफ्ट से राइट हो जाती है और लेफ्ट से राइट से क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण, दर्पण जो होती है कितना प्रकार की होती है, दो प्रकार की, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। एक क्वेश्चन जो है बहुत इसमें दिक्कत होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि याद नहीं रहता है, जब कभी पूछ दे कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव कहते हैं, लेकिन केंद्र को परावर्तक नहीं, सिर्फ गोलीय दर्पण के केंद्र को, तो केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष पर जो होती है सो दर्पण के ध्रुव पर लंबा होती है, तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है, लंबा होती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होती है सो दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी दरवाजा कहलाता है। फोकस और वक्रता केंद्र जो होती है सो दर्पण का भाग नहीं है, क्योंकि यह दर्पण से बाहर स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि फोकस और वक्रता केंद्र जो है सो क्या है, दर्पण का भाग नहीं है, फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, क्योंकि यह दर्पण से बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतरण गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाले प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है, क्या गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो इस टॉपिक को आने की ये दर्पण समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा, दर्पण के बारे में समझना पड़ेगा कि उत्तल दर्पण कौन सी होती है, अवतल दर्पण कौन सी होती है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होती है से गोलीय दर्पण के पार्ट होती है। तो इसको हम लोग अगली क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिगर के साथ में समझेंगे, साथ साथ में जो पीछे क्वेश्चन छूटा हुआ यानी कि
पुष्प के डायग्राम से समझेंगे मेल पार्ट को, मेल पार्ट को यानी कि जो होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का डायग्राम के समझेंगे किस प्रकार से कहाँ पे उसका, जैसे कि स्पर्म जो से बनती कहाँ पे कौन कौन सी भाग है, और उसका जो समझेंगे ओवरी ओवरी के बारे में समझेंगे, अंडाशय के बारे में समझेंगे, ये सब हम लोग आगे समझेंगे, आगे वाला क्लास में समझेंगे यानी क्लास 7 में समझेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश का किरण का विचलन उसी दिशा में लौट जाता है। तो दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरण का विचलन जो होती है, तो प्रकाश का किरण का विचलन जो होती है सो ठीक उसी दिशा में लौट जाती है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि सौर भट्टियों में सूरज के यानी सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और लेंस में पूछेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण जो होती है सो अवतल दर्पण की क्षमता जो होती है सो ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण का आवर्धन जो होती है आवर्धन क्षमता जो होती है सो किस प्रकार होती है, तो ऋणात्मक होती है, और प्रतिबिंब जो बनती है सो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। अवतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, और आवर्धन क्षमता जब धनात्मक होती है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनती है, जब आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, लेकिन आवर्धन क्षमता जब धनात्मक होती है यानी जब पॉजिटिव होती है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनती है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। गोलीय लेंस का केंद्र जो होती है सो वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र जो होती है सो प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि गोलीय लेंस का केंद्र जो होती है सो क्या कहलाती है, तो वक्रता केंद्र कहलाती है, और लेंस का केंद्र क्या कहलाती है, तो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस में सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप ध्रुव से लिया जाता है। लेंस में सभी माप जो किया जाता है सो कहाँ से किया जाता है, प्रकाशीय केंद्र से किया जाता है, और दर्पण में सभी माप कहाँ से लिया जाता है, तो ध्रुव से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन का नियम का पालन करता है। जितना भी प्रकार का परावर्तन है यानी सभी प्रकार का परावर्तन जो होती है सो पृष्ठ परावर्तन का नियम का पालन करता है। कैमरे की भांति रेटिना का कार्य है, कैमरे की भांति जो होती है जो कैमरा लेते हैं फोटो जो लेते हैं सो किस प्रकार कार्य करती है, यानी कि रेटिना की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है उसे हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं और शौच मंडल भी कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास जो होता है सो लगभग कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन जो होता है सो कहाँ पे होती है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। अगला क्वेश्चन है, परितारिका जो होती है सो परितारिका आँख के लिए जिम्मेवार होती है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि परितारिका जो होती है सो आँख में किसके लिए जिम्मेवार होती है, तो परितारिका जो होती है सो आँख में रंग के लिए जिम्मेवार होती है, जो विभिन्न प्रकार की रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पुतली जो से किसका नियंत्रित करता है, तो परितारिका जो होती है एक पुतली के आकार को भी नियंत्रित करता है तथा पुतली जो करती है। अब क्वेश्चन बनता है कि
परितारिका का कार्य क्या होती है, तो रंग के आँख के रंग के लिए जो होता है उसके लिए जिम्मेवार होती है। और परितारिका का कार्य क्या करती है, तो एक पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तथा पुतली क्या करती है, पुतली जो है आने वाली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी कि आँख में जितना हमको चाहिए उतना ही लेता है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनती है, तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है सो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना जो होती है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। रेटिना क्या करती है, रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज कर देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 622 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो 622 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो अब हम लोग 622 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, तो फाइनली हम लोग 622 नंबर की क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुतली पूर्ण रूप से कब खुलता है, तो परितारिका की जब शिथिलता होती है तो उसकी शिथिलता के कारण से पुतली जो होती है सो पूर्ण रूप से खुल जाती है। जब पेशियां शिथिल हो जाती है तो लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी क्या होती बढ़ जाती है। जब पेशियां शिथिल हो जाती है तो लेंस पतला हो जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। केवल एक नेत्र का दृश्य क्षेत्र लगभग कितना होती है, तो केवल एक नेत्र का दृश्य क्षेत्र लगभग जो होती है सो 150 डिग्री होती है, तथा दोनों नेत्र का दृश्य क्षेत्र कितना होती है, तो 180 डिग्री होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नेत्र का दृश्य क्षेत्र कितना होती है, तो 150 होती है, और दोनों का पूछे तो 180 होती है। डिफोकसिल लेंस में ऊपर जो होती है सो अवतल तथा नीचे जो होती है सो उत्तल लेंस होता है। तो क्वेश्चन बनता है डिफोकसिल लेंस में ऊपर अवतल तथा नीचे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को पठन लेंस के भी नाम से जानते हैं। यह परावर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरण किसे कहते हैं, यह परावर्तित किरण को निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इंद्रधनुष में सूर्य के अतिरिक्त आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें या परावर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। क्या करती है, आंतरिक परावर्तित करती है। तो इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें जो होती है सो अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे क्या करती है, आंतरिक परावर्तित करती है, फिर आंतरिक परावर्तित करता है, फिर क्या करती है, यह किरण को अपवर्तित करती है तथा विक्षेपित करती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है। तो तारे जो चमकती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे जो चमकती है, तारे प्रकाश वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे का चमकना, तारे प्रकाश वायुमंडलीय किसके कारण से टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। अपवर्तनांक में अंतर के कारण क्या होती है, अपवर्तन होता है। अपवर्तनांक में अंतर के कारण ही अपवर्तन होता है। तारे को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है। तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर होने का कारण किसका स्रोत माना जाता है, तो प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है। अन्य ग्रह जो होती है पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक स्रोत माना जाता है। जो तारे जो होती है जो पृथ्वी से दूर हो गया है उसे प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है, और अन्य ग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक होता है, नज़दीक होने के कारण उसे वो ग्रह को क्या माना जाते हैं, वास्तविक स्रोत माना जाता है। समांगी मिश्रण जो होती है सो किस पर नहीं दर्शाता है, तो समांगी मिश्रण जो होती है सो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। क्या नहीं दर्शाता है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो प्रकाश का कण जो होता है सो कुछ इस प्रकार से, यानी कि समानुपाती होती है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसका थ्योरी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कणों के साइज अधिक होने पर प्राकृतिक प्रकाश सफ़ेद प्रतीत होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कणों के साइज अधिक होने पर प्राकृतिक जो होती है प्रकाश किस में होती है, तो सफ़ेद में प्रतीत हो जाता है, सफ़ेद में दिखाई देने लगता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होती है सुनीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है सुनीले प्रकाश की अपेक्षा कितना अधिक होती है, तो 1.8 मल्टीपल जो होती है 1.8 गुना जो होती है सो अधिक होती है। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के कारण सफ़ेद प्रतीत होता है। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में जब होती ना दोपहर के समय जो होती है नीले तथा बैंगनी प्रकाश में बहुत कम मात्रा में होती है, उसी के कारण से बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के कारण किस रंग में आ जाती है, सफ़ेद रंग में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है स्विच सेल, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के कम मात्रा हो जाती है या तो ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो किसके कारण सफ़ेद प्रतीत होती है, तो कम मात्रा में ही प्रकीर्णन के कारण सफ़ेद रंग परिवर्तित होती है, यानी कि नीले तथा बैंगनी रंग के प्रकाश जो होती है सो कम मात्रा में होने के कारण यानी कम मात्रा में होती है, जिसके कारण से प्रकीर्णन जो होती है सो सफ़ेद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्विच सेल तथा बल्ब के बीच किस प्रकार का संबंध जुड़ता है, तो चालक संबंध जुड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, तो किसी विद्युत धारा के सतत पथ तथा बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा जो होती है सो धनात्मक आवेश का प्रभाव होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा जो होती है किस प्रकार होती है, तो विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रभाव करती है जो इलेक्ट्रॉन के विद्युत दिशा में इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब यानी कि विभवांतर होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत विभवांतर होती है। विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाले उक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभव को स्थिर रखने वाले नियंत्रित करने वाले उक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उस उक्ति को हम लोग परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध को जो है वो धारा का नियंत्रक भी कहते हैं। तो धारा का नियंत्रक हम लोग किसे कहते हैं, तो परिवर्तित प्रतिरोध को कहते हैं। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो होती है उसके अवयवों से अधिक होती है, यानी कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो होती है सो उसके जो जितना भी वस्तुएं होती है उसके घटक से कितना होती है, तो अधिक होती है। इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक ओवन जो है सो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन जो होती है इसमें गलांग जो होती है सो क्या होती है, तो प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन जिसमें से गलांग एवं प्रतिरोध जो होती है सो किस प्रकार से होती है, तो गलांग एवं प्रतिरोध जो होती है सो ऊंच होती है जिसके कारण से जल्दी पिघलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोक्रोम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाशीय यंत्र के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, गलांग का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध जो होती है सो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है
फ्यूज के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोल्डर का उपयोग करते हैं। सोल्डर जो से किसके लिए किससे बना होती है, तो सोल्डर पीबी और एसएन से बना होती है। प्रतिरोध जो होती है इससे अधिक होती है, लेकिन इसका गलांक जो होती है सो कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाशीय अंत के रूप में किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलांक एवं प्रतिरोध दोनों ऊंच होता है। हीटिंग एलिमेंट में किसका उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम तार का करते हैं, क्योंकि गलांक एवं प्रतिरोध दोनों ऊंच होती है, दोनों अधिक होती है। और फ्यूज के रूप में हम लोग सोल्डर का उपयोग करते हैं, जो कि पीबी और सीएन से है, एसएन की बनी होती है, सीसा और टीन की बनी होती है। इसका गलांक जो से कम होती है और प्रतिरोध जो होती है सो ऊंच होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का चालकता जो होती है सो क्या होती है, तो फ्यूज का चालकता जो होती है सो ऊंच होती है। वाट जो होती है, वाट क्या होती है, तो वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रा पूछे तो क्या है, वाट है। एचपी जो होती है, तो हॉर्स पावर जो होती है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किलोवाट जो है शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट जो है सो शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यूनिट बराबर कितना होती है, तो एक यूनिट बराबर जो होती है सो 36 × 10^5 यानी कि 36 × 10^5 जूल होती है, एक यूनिट बराबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 653 नंबर का। तो 653 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया था सो एचसी अस्टर्ड ने किया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है सो क्या रखा है, तो अस्टर्ड रखा है। क्या रखा है, अस्टर्ड रखा है। चुंबकीय क्षेत्र जो है किस प्रकार से राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एक बंद वक्र तथा अंदर जो होती है सो समांतर होती है। तो चुंबक क्षेत्र रेखा जो होती है सो चुंबक के बाहर एक बंद वक्र होती है तथा अंदर की ओर समांतर होती है। चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत क्या होती है, तो चुंबकीय सुई जो होती है सो चुंबक के विपरीत विक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने की दशा में दोनों की दिशा क्या होती है, दोनों की दिशा चेंज हो जाएगा जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि जब प्रतिच्छेद करेगी इस दिशा में दोनों की दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी वृद्धि होता है, तो विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी वृद्धि हो जाता है, या क्वेश्चन जो इसे पूछा जाता है यानी कि रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण हस्त अंगूठा जो होती है, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम यानी कि दाएं हाथ का नियम जो होती है अंगूठा का नियम किस सिद्धांत पर होती है, तो मैक्सवेल का कॉक स्क्रू नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात करती है सो किससे ज्ञात करती है, तो मैक्सवेल का कॉक स्क्रू नियम से और दक्षिण हाथ के अंगूठा के नियम से। अगला क्वेश्चन है चुंबक की प्रबलता जो होती है यानी फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि करती है। चुंबक की प्रबलता जो होती है यानी कि फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के दो भागों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो मानव शरीर के दो भागों जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वह भाग कौन सी है, तो हृदय में होती है और मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन है स्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन शून्य हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जब स्थिर रहता है या एक समान रहता है
तो स्थिर या एक समान जब विद्युत धारा प्रवाहित होने की दशा में क्या हो जाती है, गैल्वेनोमीटर का जो प्रक्षेपण होती है, विचलन जो होती है, सो शून्य हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का विचलन शून्य कब होती है, जब एक समान विद्युत धारा प्रभावित होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का हर जो होती है सो 1/100 सेकंड होती है अथवा 50 Hz होता है, Hz के बाद अपनी दिशा बदलती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है हर 1/100 सेकंड अथवा 50 Hz के बाद ही अपना दिशा वो चेंज करती है। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो वह अतिभारण कहलाती है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में फिर पेशीय ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। साइकिल चलाने में हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा जो होती है सो पेशीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में चेंज होती है, फिर पेशीय ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत में कोयले का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का स्रोत में कोयले का उपयोग जो बना किसके कारण बना है, तो औद्योगिक क्रांति के कारण बना है। जल विद्युत संयंत्रों में संचित स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्रों में स्थित ऊर्जा को क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल जो होती है विद्युत संयंत्रों में संचित स्थितिज ऊर्जा को किसमें चेंज करती है, किसमें कन्वर्ट करती है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जबकि यह प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा के द्वारा पूरा होती है, लेकिन यह प्रक्रिया जो होती है सो किसके द्वारा पूरा होती है, जल के गतिज ऊर्जा के द्वारा पूरा होती है। जैव गैस जो होती है बायोगैस जिसे गोबर गैस में मीथेन जो होती है सो सर्वाधिक पाया जाता है, 70-75% पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैव गैस हो गया, अब बायोगैस हो गया, अब गोबर गैस हो गया, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो अधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, जिसे हम लोग CH4 बोलते हैं। तो कितना परसेंट पाया जाता है, 70-75% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग कहाँ पे होता है, तो डेनमार्क में होता है, अतः इसे पवनों का देश कहते हैं। तो यानी कि पवनों की देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं, पवनों का देश किसे, डेनमार्क को, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग होता है। वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र अवशोषित और शोर विकिरण के मात्रा शोर स्थिरांक कहलाता है। तो वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित शोर विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं, तो एकांक जो प्रति क्षेत्र द्वारा होती है अवशोषित शोर विकिरण के मात्रा को हम लोग शोर स्थिरांक कहते हैं। समुद्री अथवा महासागरों के जल जो होती है जल स्तर और जल परत में ताप अंतर के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे हम लोग महासागरीय ताप ऊर्जा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री अथवा महासागरों के जल परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक स्तर के बीच ताप में अंतर जो होती है सो कितना आवश्यक होती है, तो प्रत्येक स्तरों का बीच ताप में अंतर जो होने की जो होती है सो 20°C की जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः किस्म के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, H2 को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन CNG है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वच्छ ईंधन किसे माना जाता है, तो स्वच्छ ईंधन जो माना जाता है सो H2 को माना जाता है, परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन कौन सी है, तो उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन जो है सो CNG है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय सलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। तो नाभिकीय सलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, तो उच्च ताप कहाँ से प्राप्त होती है, तो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर का, 680 नंबर का क्वेश्चन। तो हम लोग 680 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो 680 नंबर का अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 680 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग 680 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 680 नंबर का क्वेश्चन, तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं 680 नंबर के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो उसे हम लोग किसे क्या कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है उसे हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। तो 680 नंबर का क्वेश्चन है, जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित ना होता है उसे हम लोग अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ दोनों मिलकर ही क्या चीज़ का निर्माण करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि वन हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, प्राकृतिक हो गया, पारितंत्र तथा बगीचा, ये सब क्या है, खेत कृत्रिम पारितंत्र है। क्या है, खेत कृत्रिम पारितंत्र है। जैसे कि वन हो गया, नदी, तालाब, झील, ये सब क्या है, खेत कृत्रिम पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पादप हो गया, पादप जो सपोषी होता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसे प्रथम श्रेणी को अंतर्गत रखा जाता है, तो इसलिए हम लोग उसे पोषी स्तर के नाम से जानते हैं। तो प्रथम श्रेणी को पोषी स्तर कहते हैं, और प्रथम श्रेणी के अंदर कौन कौन सा जीव कौन सी आती है, तो पादप आती है जो सपोषी होती है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी को पोषी स्तर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है सो किस श्रेणी का पोषी स्तर है, तो जो प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर जो है सो कौन सा है, पादप है और सब पोषी है। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर होती है, तो द्वितीय श्रेणी में जो लोग आते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होती है ना, सो द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं। और द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो होती है सो तीसरे श्रेणी का पोषी स्तर होती है, यानी कि तृतीय श्रेणी वाले लोग जो से क्या करती है, वो द्वितीय श्रेणी वाले को खा जाते हैं। तो प्रथम पोषी आधार सब पोषी में सूर्य से मात्रा जो होती है सो 1% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाता है। कितना परसेंट, 1% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में कितना परसेंट ऊर्जा का हस्तांतरण होती है। तो प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, समानत यानी कि निचली पोषी स्तर जो होती है उत्पादक, यानी कि निचली पोषी स्तर में क्या होती है, निचली पोषी स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है। जीवों की संख्या जो होती है सो कितना होती है, अधिक होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण में होती है, ह्रास ऊर्जा का समानत ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। ऊर्जा का जब स्थानांतरण होती है, स्थानांतरण में जब घटती है, तो ऊर्जा का समानत जो होती है सो किस में, ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ऊर्जा का प्रभाव जो होता है सो हमेशा किस दिशा में होती है, तो ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशीय होता है।
ओजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ओजन का निर्माण जो होती है सो पराबैंगनी किरण के द्वारा होता है। घूर्णन गति बढ़ने से लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो घूर्णन गति बढ़ने से लोलक का आवर्तकाल जो होती है सो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा का कैंसर को जन्म देता है। तो पराबैंगनी किरण काम क्या होती है? तो पराबैंगनी किरण जो होती है सो प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा का कैंसर को त्वचा के लिए कैंसर का जन्म देती है। यानी जब ये पराबैंगनी किरण जब त्वचा पर पड़े तो कैंसर का निर्माण जो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कॉलिफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है यह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मानव का आंत में पाया जाता है, यह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, कॉलिफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है जो अध्र जल स्रोत से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलिफॉर्म जो होती है सो गंगा जल प्रदूषण का भी एक प्रमुख कारक है जो अर्ध जलाशय से प्राप्त होता है। यानी जो अर्ध जला हुआ जो आदमी वगैरह को जो जलाता है, जो आधा ही जला देता है यानी कि पूरा नहीं जलाता है, उसी शव से क्या होती है ये होता है, उसी अर्ध जलाशय से प्राप्त होता है यानी इसी से वो शव से बन जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3R जो होती है 3R तो 3R रिड्यूस यानी कि कम करना और रिसाइकल मतलब होता है फिर से चक्रण करना और रीयूज जो होती है सो फिर से उपयोग करना यानी कि पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3R का उपयोग करते हैं। 3R तो रिड्यूस हो गया, रिसाइकल हो गया और रीयूज हो गया। अगला क्वेश्चन है, मोलास्का जो है किस जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो मोलास्का जो है सो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है मोलास्का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सी है? तो मोलास्का है। तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो कब प्रतीत होता है? जब तरंग दैर्घ्य जो होती है कम होता है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन पौधे के वृद्धि में सहायक। नाइट्रोजन जो होती है सो पौधे के वृद्धि में सहायक होती है तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, बोर्डो का जो मिश्रण जो होती है सो किससे बना होती है? तो बोर्डो मिश्रण जो होती है सो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड से बनी होती है। आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था सो थेलस ने किया था। विपरीत आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विपरीत आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था सो फ्रैंकलिन ने किया था। प्रथम बार आवेश उत्पन्न किसने किया था? तो प्रथम बार आवेश उत्पन्न जो किया था वो फ्राइडे ने किया था। वास्तविक गैस आदर्श गैस का नियम का पालन उच्च ताप तथा निम्न दाब पर करती है। तो क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस का नियम का पालन कब करती है? तो उच्च दाब तथा निम्न दाब पर करती है। अगला क्वेश्चन है, 706 नंबर का, हाइड्रा जो होती है सो खतरा महसूस होने पर हिप्नोटॉक्सिन नामक रसायन छोड़ता है। हाइड्रा क्या करती है? खतरा महसूस होने पर हाइड्रा जब महसूस करने लगती कि खतरा होती है उस समय खतरा होने वाला उस समय किस प्रकार की रसायन छोड़ता है? तो हिमोटॉक्सिन नामक रसायन छोड़ता है। तो केवल गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केवल गति का अध्ययन काइनेमैटिक्स कहलाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 707 नंबर क्वेश्चन जो से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग का क्लास जो है यानी कि NCERT सीरीज जो चला रहे थे सो 707 क्वेश्चन जो से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यानी कि इस क्वेश्चन का सीरीज जो है सो कम्प्लीट हो चुका है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे डायग्राम से यानी कि फिगर से डायग्राम के माध्यम से हम लोग
क्वेश्चन समझेंगे। जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट होती है, यानी कि उत्सर्जन वाला तंत्र भी होती है, उसको भी डायग्राम से समझेंगे। पेड़ पौधे का जो जनन, फूल का जो जनन अंग है, मेल का जो जनन अंग है, फीमेल का जो जनन अंग है, उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से कल की क्लास में समझने वाले हैं। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में।